जितना मैं समझ पाई हूँ ना इस केस को मैडम, मुझे लगता है आपकी बाइक चुराने वाला इसी थाने का है। या फिर आसपास का कोई है जिसे पता था कि थाने के बाहर का जो सीसीटीवी कैमरा है वो काम नहीं कर रहा है, क्योंकि वो जानता था कि वो बाइक चुराएगा तो किसी भी कैमरे में कैप्चर नहीं होगा और वो कॉन्फिडेंटली चुरा कर चला गया। हमको ऐसा लग रहा है तुम्हारे आने से हमारा बाइक भी जल्दी हमारे हाथ लग जाएगा। राजवीर जी, संतू के लिए सिंगाड़े लेकर आओ, बढ़िया वाले भी लेकर आते हैं जी। हम क्या कह रहे थे मैडम कि ऐसा भी तो हो सकता है ना कि चोर किसी दूसरे एरिया का हो और उसको पता ही ना हो कि यहाँ सीसीटीवी कैमरा लगा है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा होता ना तो आते जाते किसी ना किसी कैमरे में वो डेफिनेटली कैप्चर होता, लेकिन मैंने सारे कैमरास चेक किए, एक में भी वो कैप्चर नहीं हुआ। इसका मतलब तो यही है ना मैडम कि घर के किसी भेदी ने लंका ढाई है। वो भेदी हमको मिल जाएगा ना, उसके शरीर में छह की छह गोलियां मार के नए नए छेद कर देंगे। ए मैडम, आपने तो कहा था कि चार ही गोली है, अभी छह कहां से आ गई? ज्यादा टपको मत, बीच में दो साथ लेके चलते हैं। संतू तुम हमको बताओ कि हमको क्या करना चाहिए तुम्हारे हिसाब से। मुझे ऐसा लगता है कि थाने की और थाने के आसपास की चेकिंग करनी चाहिए, क्या पता शायद कोई सुराग मिल जाए। बात बिल्कुल सही है। आपका कैलेंडर निकलवाए काम करने के लिए, चलिए सबकी सब काम पे। हमने गुस्से में करिश्मा मैडम की बाइक तो चोरी कर ली, लेकिन अगर करिश्मा मैडम ने हमारी चोरी पकड़ ली तो हमको कहीं का नहीं छोड़ेगी। नहीं, हमको नहीं लगता संतू कि हमको यहाँ कुछ मिलेगा। नहीं मैडम, अगर आए तो एक बार खुद के सेटिस्फेक्शन के लिए देख ही लेते हैं ना। अरे आप ठीक कह रही हैं मैडम, यहाँ कुछ भी नहीं मिलेगा, हम खुद चेक करके गए हैं ना। चलिए ना, चलते हैं कहीं और देखते हैं। अबे जब मैडम कह रही है उन्हें देखना है तो देखने दो ना, कर पटेलाई करो, खड़े रहो चुपचाप। कैमरा मैडम कहाँ पे? मैडम वो देखिए, वहां है कैमरा। अगर चोर यहाँ पे आया आपकी बाइक चुराने के लिए तो डेफिनेटली उसमें कैप्चर हुआ होगा। अरे मैडम क्या है ना, सुनिए, आजकल लोग फैशन से भी कैमरा लगा लेते हैं। अब ये सब काम भी कर रहा है कि नहीं ये भी नहीं पता। अब देखिए ना, अपने थाना का कैमरा काम करता है नहीं करता है? इतना तेजी तुम यहाँ दिखा रहे हो, इतना तेजी केस सॉल्व करने में दिखाया होता ना तो हमारा बाइक हमारे सामने होता अभी। राजवीर तुम बस, मेरा बस, मैं जाता हूँ और वो फुटेज लेकर आता हूँ। बहुत बढ़िया, जाइए। मैं हूँ ना। संतू, हमारे बाइक का नंबर प्लेट, मतलब बाइक जरूर नहीं सही गया है। इसकी मैया का सासू मैया, अगर हमारे बाइक के एक भी पुर्जे को कुछ हुआ ना तो हम उस इंसान के सारे पुर्जे हिला देंगे। मैडम सर कहाँ है भाई? मैडम सर को बुला। चंपक भैया कहो, क्या हाल चाल है? तुम्हारी भाभी संतु जी वहाँ पर ठीक है ना? अरे भाई वो बिल्कुल ठीक है, हम ठीक नहीं, हम बहुत मुसीबत में। मैडम सर को बुला दो। मैडम सर, मैडम सर, मैडम सर, मैडम सर, मैडम, मैडम सर हमको बचा लीजिए, हम बहुत मुसीबत में हैं। एक मिनट चीता, क्या हुआ, किससे बचाना है तुम्हें? करिश्मा मैडम से हमको बचा लीजिए, नहीं तो वो अपने बंदूक की चारों गोली हमारी खोपड़ी में उतार देगी। मैडम सर हमको बचा लीजिए, मैडम सर हमको बचा लीजिए। उठो 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 तुम, मैडम सर हमको बचा लीजिए, मैडम सर हमको बचा लीजिए। देखा 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 मैडम सर, आपने, हमने कहा था हमारी बहुरानी का दिमाग बहुत तपा हुआ है। हे भगवान, आप भले ही हम पर वो मुर्गी की आत्मा फिर से चढ़ा दीजिए, मगर हमारे बहुरानी के सर पर जो अकेले थाना चलाने का भूत सवार है ना, उससे उतार दीजिए।
क्या हुआ? करिश्मा सिंह क्यों मार देंगी तुम्हें? वो करिश्मा मैडम का बाइक चुराने वाला कोई और नहीं, हम हैं। तत्काल स्वर्ग का तत्काल टिकट करा लिए चंपक भैया हैं? चारों धाम का तीर्थ यात्रा किए हुए हैं कि नहीं? कहें कि अब तो मौका मिलने वाला है नहीं, अब करिश्मा मैडम घुस कर जो आपको करेंगी ना। अरे अमर, लोगों की कुंडली पर राहु केतु का बुरा साया होता है, मगर शायद तुम जानते नहीं हो, राहु केतु भी हमारी बहू रानी की कुंडली में आने से कतराते हैं और तुम तो उनसे ही। मैडम सर प्लीज हमको बचा लीजिए। मैडम सर, मैडम सर हमको बचा लीजिए। मैं चंपक भैया खड़ा नहीं, नंबर 10 सीधे से बतिया रही है ना मैडम सर आपसे, कर रहे हैं गजब यार। क्यों किया ऐसा गलत काम? वो हमने एक छोटा सा मजाक करने की कोशिश की थी मैडम सर। बताइए कैसा इंसान है ये? हाँ, अब तो उनके भौकाल से तुमको साक्षात भगवान भी नहीं बचा पाएंगे। तुमको पता है तुम्हारी इस बेवकूफी की वजह से हमारी बहू रानी को लोगों के कितने ताने सुनने पड़े। वो जो तुमने बाइक चोरी की है ना, वो कहाँ रखे बोलो? बोलिए ना पंचक भैया, सॉरी चंपक भैया। हो गया आप दोनों का? मैडम सर आप दोनों जाइए, वहां जाकर खड़े होइए। चलो जल्दी से आए, चलो। शांति से बताओ, पूरी बात बताओ। मैडम, हमने बाइक चोरी करके अपने थाने के पीछे लगा दी थी, लेकिन जब हम बाद में देखने गए तो बाइक वहां नहीं थी, वो सच में चोरी हो गई। क्या सचमुच बाइक चोरी हो गई? हाँ। चंपक, हमें पता नहीं क्यों लग रहा है कि तुमने ये सब सिर्फ मजाक के लिए या मस्ती के लिए नहीं किया, इसके पीछे असली वजह कुछ और है। वो क्या है मैडम कि करिश्मा मैडम 15 दिनों के लिए हमारे थाने में आई और आते ही हम पे फौजगिरी दिखाने लग गई। अब बताइए मैडम सर, हम एक मर्द होके औरत की ड्यूटी कैसे बजाते हैं? हमको बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए हमने ऐसा कर दिया। मैडम देखिए हम किसे लेकर आए, और ये देखिए हमें क्या मिला। ये तुमको कहाँ मिला? हम चोर बाजार गए थे मैडम आपकी बाइक का फोटो लेने, सारी छानबीन करने के लिए, और वहां पर हमें इसकी दुकान पर ये स्पीडोमीटर ऐसा लटका हुआ दिखाई दिया। हमें लगा था मैडम स्टिकर थी। हाँ, ये स्टिकर हमारी बाइक का है। तुम्हारी तो कहाँ है हमारा बाइक, कहाँ है हमारा बाइक? मैडम हम तो एक साधारण से दुकानदार है जो सेकंड हैंड सामान पे डील करते हैं, और ये स्पीडोमीटर तो हमें कबाड़ी वाले के पास से लिया था। झूठ झूठ बोल रहे हो तुम। तुमने हमारे बाइक का एक एक पुर्जा अलग करके बेच दिया है। ये तुम्हारा जो खटारा जैसा चेहरा ना, इसको इतना तोड़ेंगे हम कि कोई कबाड़ वाला भी नहीं खरीदेगा। समझ रहे हो हमारी बात को? कहाँ है हमारा बाइक? मैडम हम सच कह रहे हैं, अब चाहे तो पूरे बाजार में जाके किसी से भी पूछ लीजिए, सब यही कहेंगे कि मैं ऐसा कोई काम नहीं कर सकता। तुम नहीं करते तो कौन करता है फिर? मैडम ये चोरी का सामान लेना और बेचना, ये काम तो पूरा शहर में एक ही आदमी कर सकता है। कौन कौन आदमी बताओ? अब्दुल, अब्दुल राजवीर, आकाश पाताल सब छान मारो, लेकिन ये अब्दुल भाई हमें हमारी आंखों के सामने चाहिए, और तब तक के लिए इस टोपा को अंदर बंद करो। जैसा आपका हो, चल बे। हमारी मैडम की बाइक चोरी छुड़वाएगा। हाँ जब तक संतोष सीसीटीवी फुटेज में एक चोर का पता लगा रही है, तब तक हम जाकर ये अब्दुल भाई को जाकर ढूंढते हैं। पर हमको एक बात समझ में नहीं आया। और ये कौन सी बात है मैडम? यही काम हमने चंपक को भी दिया था, तो चंपक को कहीं नहीं दिखाई ये सब। सब टोपा भरे पड़े हैं यहाँ पर। अरे बैठिए बैठिए मिस्टर चंपक, नहीं रहने दो। बैठिए बैठिए आराम से बैठिए जी। तो अब आप चोर को पकड़ने में हमारी मदद करेंगे। इनफैक्ट मदद नहीं, आप खुद इस केस को अब लीड करेंगे। हाँ? क्या? जी हाँ, हम सब आपके अंडर काम करेंगे। अब आप जल्द से जल्द इस चोर को पकड़िए, और हाँ अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो हम आपसे वादा करते हैं कि हम आप पर एक आंच भी नहीं आने देंगे। तो बताइए क्या आप इस महिला पुलिस थाने को लीड करेंगे? ये कौन सा नया पैंतरा आजमा रही है आप केस सुलझाने के लिए? इब्तिदा जज्बात है, रोता है क्या? आगे आगे देख, होता है क्या? मैडम सर
नहीं नहीं नहीं, हम मैडम सर नहीं, अब आप हमारे सर हैं। हम सब आपके अंडर काम कर रहे हैं, आप इस केस को लीड कर रहे हैं। तो बताइए, एक बढ़िया सा प्लान बनाइए, और हाँ, अच्छा प्लान बनाना, क्योंकि अब आपके पास टीम भी है, कुर्सी भी है और पावर भी है। मैडम, प्लान बनाना इतना आसान थोड़े ना है। क्यों, आप तो मर्द हैं, प्लान बनाना आपके लिए तो आसान होना चाहिए। देखिए, ये सबसे अच्छा मौका है आपके पास एक औरत को मर्द से कमतर साबित करने का। एक तरफ करिश्मा सिंह है जो इस केस को सॉल्व कर रही है औरत होकर, और एक तरफ आप हैं एक मर्द जो इसी केस को सॉल्व कर रहे हैं। आप बस इस केस को करिश्मा सिंह से पहले सॉल्व कर दीजिए, ये साबित हो जाएगा कि औरतें मर्द को लीड नहीं कर सकती। अरे मैडम सर, हम केस कैसे सॉल्व कर सकते हैं, हम तो इस काबिल ही नहीं है। जहनसीब, आपको समझ में तो आया कि आप इस काबिल नहीं हैं। मिस्टर चंपक चौधरी, ये कुर्सी जो है ना, सिर्फ काबिलियत देखती है, जेंडर नहीं देखती। इसलिए आप नहीं, करिश्मा सिंह आपकी इंचार्ज है। समझ गए मैडम सर, हमें अपनी सोच बदलने की जरूरत है और हम उसे बदलेंगे भी। करिश्मा मैडम आज हमारी वजह से मुसीबत में फंसी है, उसके लिए हम बहुत शर्मिंदा हैं। लेकिन आपकी शर्मिंदगी किसी के कुछ काम की नहीं है। जाइए, करिश्मा सिंह की मदद कीजिए इस केस को सॉल्व करने में, बाकी सब हम देख लेंगे। जी मैडम सर। जय हिंद मैडम सर। अब इस बार कोई गड़बड़ मत करना। मैडम, वो जो अब्दुल है ना, जो चोरी की हुई बाइक्स के पार्ट्स बेचता है, करिश्मा मैडम उसको उठा ली है। मैसेज आया। हमें यकीन है करिश्मा सिंह असली चोर तक बहुत जल्द पहुंच जाएंगे। सीधा सीधा बताओ, का काम करते हो? कसम खा के बोल रहा हूँ मैडम, जब से होश संभाला है ना, ऑटो पार्ट्स का ही बिजनेस कर रहा हूँ। क्लच दबा के बता दूंगी गाड़ी कितनी पुरानी है। बर्फ से नीचे उतार दीजिए मैडम, ऊपर रेगिस्तान हो, नीचे मनाली हो रही हूँ, क्लच दबा के दब दीजिए मैडम प्लीज। तुम्हारा क्लच तो आज कंट्रोल में आएगा। साफ साफ बताओ, ये चोर बाजारी का बिजनेस तुमने कब से स्टार्ट किया है? गैर बॉस की कसम खा के कह रहा हूँ, मैंने आपकी बाइक नहीं चुराई और ना ही उसके पार्ट्स निकाले, बल्कि आपकी बाइक की जैसी एक बाइक मुझे एक लड़का बेच के गया है। कौन लड़का? चेहरा देखा है उसका? स्केच बनवा सकते हो उसका? मैंने उसका चेहरा नहीं देखा मैडम, वो कोरोना, वो मास्क लगा के आया होता मैडम प्लीज। हमारा बात ना कब लाख मुक्कों में बदल जाता है हमको भी पता नहीं चलता। इससे पहले कि लात और मुक्का में बदल जाए, हमारी बाइक यहाँ तुरंत मंगाओ, तत्काल की स्पीड में, का समझे? हाँ संतु। मैडम, सीसीटीवी फुटेज में चोर बाइक को लेकर जाते हुए साफ दिख रहा है, पर क्योंकि उसने मास्क और कैप पहनी, उसका फेस क्लियर नहीं है। लेकिन एक बात की श्योरिटी मैं आपको दे सकती हूँ, वो अब्दुल नहीं बल्कि कोई और है। धन्यवाद। जानकीपुरम थाना से फोन था, जो सीसीटीवी फुटेज में चोर मिला है वो तुम नहीं हो। मतलब तुम जेल नहीं जाओगे तो ये बहुत अच्छी खबर है तुम्हारे लिए। लेकिन एक बुरी खबर भी है, जब तक तुम हमारे बाइक का एक एक पुर्जा यहाँ मंगवा के हमारा बाइक तनाटन नहीं करोगे ना, तब तक तुम्हें इस बर्फ से जमानत नहीं मिलेगा। अब आप ही बताइए, मैं पुर्जे कहाँ से लाऊं? एक बाइक में हजारों पुर्जे होते हैं, मैंने कुछ बेच दिए, कुछ फिट कर दिए। आप ही बताइए को सब कैसे आपस लेके आएंगे? मेरे पास कोई अल्लाह दिन का चिराग तो नहीं कि मैं जीन निकले और आपके पुर्जे को मैं मंगवा लूं मैडम प्लीज। चिराग रगड़ो या माथा रगड़ो, हमको फर्क नहीं पड़ता है, हमारा बाइक चाहिए। तुम्हारे इस व्यर्थ जीवन को बचाने का तुम्हारे पास ये आखिरी मौका है। मैडम सुनो ना, क्या करूं मैं, जिंदा जिंदा रहने की गर्मी, गर्मी चाहिए, तोड़ता हूं, तोड़ता हूं, नहीं 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 तोड़ूंगा नहीं, वो मुझे ठंड लग रही है मेरे पास। बाबा वाला आयो, कपाल भाती। सोनू, सोनू, अब गुल बोल रही हूँ। अरे मैं शिमला में नहीं हूँ,
मैं दिक्कत में। सुन सुन मेरी बात सुन, चार दिन पहले जो ब्लू रंग की बाइक के स्पेयर पार्ट बेचे थे ना, हाँ वही वही वाले, वो कहीं से खरीद ले यार, बोनू को, रवि को, और जितने भी तेरे फंटर है सबको लेके जाओ, खरीद करके राधे श्याम कंपाउंड में आ जाओ, राधे श्याम कंपाउंड। अरे जल्दी ला जो भी मिल गया फिट कर, 2020 मैच की तरफ फिट करके तैयार कर जल्दी से, और स्टार्ट कर यार। कहानी से तुमको क्या शिक्षा मिलता है? यही कि 100 बार सोचोगे तुम अब से किसी से भी माल खरीदने से पहले, किससे माल खरीदना है, किससे माल नहीं खरीदना, इस बात का ध्यान रखोगे, समझ गए? और आज के बाद अगर तुम हमें चोरी का माल बेचते हुए नजर आए ना भैया, तो मैया कसम बाइक का तो पता नहीं तुम्हारे सारे पुर्जे हम ढीले कर देंगे, और फिर उसको जोड़ते रहना क्लच दबा के। समझ गया मैडम, समझ गया। तौबा, तौबा। पुष्पा जी आपका चाय। पुष्पा जी इसे गोलगप्पा की तरह काहे मुंह बनाई हुई है भाई? पुष्पा जी हाँ क्या है जीते? क्या हो गया, काहे से मुंह बनाई है? बाइक चोरी होने की वजह से हम आजकल बहुत तनाव में हैं। चुप रहो ना। बस पुष्पा जी, जिस दिन से संतु जी थाना से गए हैं ना, हम भी बहुत ज्यादा तनाव से गुजर रहे हैं, क्या बताएं हम आपको। हमें भी संतु की फिक्र हो रही है। फिक्र? फिक्र क्या हुआ है संतु जी को? पुष्पा जी बता दे, वहाँ उस दूसरे थाने में एक हेड कांस्टेबल है राजवीर सिंह तोमर, वो जानबूझकर लड़कियों के नजदीक आने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए हमें संतु की भी फिक्र हो रही है। मार के ना विनाश फार देंगे राजवीर तोमर का। ऐसे कैसे लड़कियों को लाइन मारता है वो, है लड़कियों को करीब आने का कोशिश करता है? ये बात का हिसाब होगा पुष्पा जी। क्या क्या हो रहा है यहाँ पर, क्यों इतना शोर मचा रहे हो? जय हिंद मैडम सर। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद। जय हिंद। चीता चतुर्वेदी, संतोष शर्मा ने अभी अभी अब्दुल और चोर के फोटोज भेजे होंगे, कुछ पिक्चर्स भेजे होंगे, जरा दिखाइए। ठीक मैडम जी, ठीक। आइए आइए। मैडम सर, हमको लगता है थाने के पीछे का फुटेज है और यहीं से वो बाइक निकाल रहा है। और एक सेकंड मैडम, ये रहा अब्दुल का फोटो। दोनों का बॉडी स्ट्रक्चर एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, ये काम अब्दुल का नहीं है। मैडम सर, ये जो कोई भी चोर है कितना बेवकूफ है, देखिए ना, मतलब चोरी कर रहा है मगर कितना आराम से वीडियो देखते देखते मजे ले लेकर ये बाइक की चोरी करने की कोशिश कर रहा है। चीता चतुर्वेदी, एक काम करो, शहर में या शहर के आसपास जितने भी ऐसे लोग हैं जो बाइक चोरी करके बेचने का काम करते हैं, उन सब के बारे में पता लगाओ और इन फोटो से मैच करने की कोशिश करो, देखो क्या पता लगता है। पूरा शहर में हो जाएगा।
आसान है। गुड। मैडम सर, मैडम सर देखिए हम अपना बाइक ढूंढ के ले आए हैं। कमाल का बात है ना, हम दोनों एक ही केस सॉल्व कर रहे थे पर बाजी मारा किसने? हमने। आज ना हमारे आत्मविश्वास का लेवल ना और बढ़ गया है, भरोसा हो गया हमें कि हम अपने आदर्शों के साथ अपना थाना चला सकते हैं। गुड, कांग्रेचुलेशंस। हमें खुशी है कि आपको अपनी बाइक वापस मिल गई। इससे ज्यादा खुशी इस बात की है कि इस बार आपका मार धाड़ का तरीका काम आया। लेकिन एक चीज याद रखिए करिश्मा सिंह, हमेशा ये तरीका काम नहीं आएगा। अब आप जिस ओहदे पर हैं, आपको बैलेंस बनाकर चलना सीख लेना चाहिए। हाँ। क्या पता ये तरीका किस दिन आपके लिए कोई मुसीबत खड़ी कर दे। धन्यवाद मैडम सर हमारा फिक्र करने के लिए। याद रखिएगा मैडम सर, जब तक समाज में पुलिस के डंडों का डर है तब तक जनता और कानून दोनों सुरक्षित है। और जब तक हम हैं तब तक पुलिस के डंडों का डर बना रहेगा। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद। मैडम सर, अब तक तो ये भोकाल मचाती थी, अब तो लगता है तबाही मचा देंगी। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।